मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। ओके, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू फाइंड the cross product of A and B, we can find the direction of this cross product by using right hand screw rule, or we can simply use right hand rule. अब दोनों में क्या अंतर है वो आप ध्यान दें कि suppose A and B, these are the two vectors. Okay, according to right hand screw rule, in order to find the direction of A cross B, we have to place a screw perpendicular to the plane containing A and B. Now we have to rotate this screw from first vector to second vector, that is from A to B. अगर इसको हम इस तरह से rotate कर रहे हैं, in that case that screw will move in inward direction. It means A cross B का यहां पर जो direction है वो कैसा है, inward the plane of board. In case if we have to find the direction of B cross A, okay? B cross A के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप ध्यान देना, सेम डायग्राम है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, लेकिन हमें B cross A का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो अगेन बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ B cross A. B एज फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, B, इसका मतलब इस स्क्रू को हमें रोटेट करना है B से A की तरफ, B से A की तरफ, तो इसको अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो हम इसको अनस्क्रू कर रहे हैं, इट मींस दैट स्क्रू विल मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि राइट हैंड रूल को भी हम यूज कर सकते हैं। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने राइट हैंड की जो पाम है उसको एक्सपेंड करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ओके, मैंने इसको इसके अलोंग रखा, अब मुझे इस अपने फिंगर्स को टर्न करना है टुवर्ड्स बी। अब क्या मेरे लिए इस फिंगर्स को बैक साइड में टर्न करना पॉसिबल है? नो, इट मींस मुझे अपनी इस हथेली को इस तरह से रखना पड़ेगा। ओके, अब इसी केस में मैं अपने फिंगर्स को टर्न कर सकता हूं, कर्ल कर सकता हूं टुवर्ड्स बी, एंड इन दैट केस थंब इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर आप देखें कि बी क्रॉस ए हमें अपने राइट हैंड के पाम को एक्सटेंड करना है, फिंगर्स को एक्सटेंड करना है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ बी। अब इन फिंगर्स को कर्ल करना है या टर्न करना है टुवर्ड्स ए, तो हम इसको टर्न कर पा रहे हैं, तो थंब इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, यानी दोनों रूल्स को हम यूज कर सकते हैं। और जहां पर भी किसी भी रिलेशन में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम उस क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को इन दोनों रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। Means according to this relation, the direction of force is given by the cross product of L and B. Okay? तो ये थोड़ा सा previous concept था जो मैंने यहां पर discuss किया है, क्योंकि इस topic को समझने के लिए ये हमारे mind में जो rules हैं और formula है वो बहुत clear होना चाहिए। In this topic, we have to find the torque experienced by a current carrying a rectangular loop when placed in uniform magnetic field. क्वेश्चन ये होता है कि रेक्टेंगल इस शेप में नजर आता है, ओके? लेकिन यहां मैंने रेक्टेंगुलर लूप को इस शेप में ड्रॉ किया है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इट्स प्लेन इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड और प्लेस्ड एट सम एंगल विद द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जैसे मान लेते हैं ये अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम इस तरह से ना रखकर हम इसको टिल्ट करके रख रहे हैं, यानी कि That plane it makes some angle with the plane of the board. इसलिए हमने इसको इस शेप में रिप्रेजेंट किया है, तो ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है बाय ग्रीन एरोज। ओके, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, हाउ मच एंगल इट मेक विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थीटा। ओके, तो हमें इस करंट कैरिंग लूप पर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। होप दैट एटलीस्ट किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले
हम उस टॉपिक में करना क्या चाह रहे हैं अगर वो हमें क्लियर है तो हम आसानी से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान दें कि दिस रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, पी क्यू इज ए स्ट्रेट कंडक्टर एंड इट कैरीज आई करंट एंड बेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन सच केस स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आईएलबी साइन ऑफ थीटा। अब आप ध्यान देना, हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्स ऑन पीक्यू कंडक्टर। मान लेते हैं वो फोर्स कितना है एफ वन एंड इट इज इक्वल टू करंट थ्रू द कंडक्टर इज आई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल एंड इट इज प्लेस्ड इन बी मैग्नेटिक फील्ड ओके एंड साइन ऑफ 90। अब यहां पर आप ध्यान देना ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन देम इज 90 मींस एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड यानी करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 90 ओके। साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, इट मींस एफ वन इज इक्वल टू आई एल बी। इन केस व्हेन एल एंड बी आर राइट एंगल टू ईच अदर, हम फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आप ध्यान देना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये फिंगर किधर होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर किधर होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये फिंगर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है तो इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं, थंब इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मींस दिस कंडक्टर पी क्यू कंडक्टर इट एक्सपीरियंसेस एफ वन फोर्स और इस एफ वन फोर्स का डायरेक्शन है आउटवर्ड, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। नाउ लेट अस फाइंड द फोर्स ऑन क्यू आर कंडक्टर। मैं उस फोर्स को मार्क कर रहा हूं एज एफ टू एंड एफ टू इज इक्वल करंट थ्रू दिस पोर्शन इज आई, लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ये रेक्टेंगुलर लूप है, अगर इसकी लेंथ एल हमने मार्क किया तो इसकी लेंथ को हम बी मार्क कर लेते हैं, लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज बी एंड इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन बी मैग्नेटिक फील्ड। साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग द प्लेन ऑफ द बोर्ड जबकि ये जो कंडक्टर है इट इज इंक्लाइन विद द प्लेन एंड एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। अब इन सच केस अब आप ध्यान देना ये दो वेक्टर्स हैं, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये हो गया करंट वेक्टर, मतलब इस तरह से मैं अगर बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये करंट वेक्टर। इज इट क्लियर? फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी एल क्रॉस बी के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम या तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं या फिर राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरह से, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप ध्यान दें तो हमें क्या करना है फिंगर को, हमें अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी अलोंग लेंथ वेक्टर। अब मुझे इसको टर्न करना है टुवर्ड्स बी लेकिन मैं इसको टर्न नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इसको इस तरह से रखूंगा, अब मैं इसको टर्न कर सकता हूं टुवर्ड्स वेक्टर बी। इन दैट केस द थंब इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस द फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी यूज करें तो इसको सिंपली इस तरह से ध्यान रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। नाउ प्लेस ए स्क्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड एल ओके। अब इस स्क्रू को हमें रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर यानी एल से बी की तरफ, इसको अगर मैं एल से बी की तरफ रोटेट करूंगा तो ये जो स्क्रू है इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस इस एफ टू का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। नाउ लेट अस फाइंड द फोर्स ऑन आर एस पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, उस फोर्स को हम मार्क कर देते हैं एज एफ थ्री एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज एल, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज 90, इसलिए साइन ऑफ 90 हम मार्क कर रहे हैं एंड साइन ऑफ 90 इज 1, इट मीन्स एफ थ्री इज इक्वल टू आई एल बी। अगेन क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट दोनों में एंगल कितना है 90, वी कैन यूज फ्लेमिंग रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस फिंगर मस्ट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो करंट ऊपर की तरफ है तो थंब इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, मींस इस एफ थ्री का डायरेक्शन है इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सिमिलरली वी कैन फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन
SP portion of the rectangular loop. Force on SP portion. मैं उस फोर्स को मार्क कर रहा हूं F4 and we know that it is equal to the product of current, length of this portion, length of the conductor which is B, magnetic field B and sine of angle between them. ध्यान दे रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये जो एंगल है, मतलब यहां अगर करंट की बात करें तो करंट इसके अलॉन्ग है, ये एंगल हमें थीटा नजर आ रहा है. यहां पर हमें एंगल चाहिए, दिस एंगल, वी हैव टू मार्क दिस एंगल एंड दैट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. इसलिए हम F4 को क्या लिख सकते हैं, F4 इज इक्वल टू IBB साइन ऑफ थीटा. फिर से हमें यहां पर अगर ध्यान से चेक करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है. ओके, मतलब एक इसके अलोंग है और एक इसके अलोंग है. अब ये दोनों इस प्लेन के अंदर है, वी हैव टू प्लेस ए स्क्रू परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. अब इस स्क्रू को रोटेट करेंगे, ये हमारा लेंथ वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एल क्रॉस बी. तो हमें उस स्क्रू को रोटेट करना है एल से बी की तरफ. जब इस स्क्रू को रोटेट करेंगे फ्रॉम एल टू बी इस तरह से, तो दैट स्क्रू विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन है अपवर्ड. अब अगर हम ध्यान से चेक करें, समझना इस चीज को, हमें क्लियरली नजर आ रहा है F2 एंड F4. लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, इट इज IBB साइन ऑफ थीटा एंड F4, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो IBB साइन ऑफ थीटा. दीज टू फोर्सेज दे आर इक्वल, अपोजिट एंड ऑल्सो एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, हैंस दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट इन द कॉइल. मीन्स इन दोनों फोर्सेस के कारण F2 और F4 इनका रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है और टॉर्क प्रोड्यूस बाय देम इज ऑल्सो जीरो. नाउ लुक एट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F3. अब अगर आप F1 की बात करें, F1 इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड F3 इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. इनका भी मैग्नीट्यूड इक्वल है. F1 इज ILB एंड F3 इज ऑल्सो ILB. दे आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट. मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी जीरो है, बट दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. अगर इस रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें, इस तरह से अगर हम बात करें, यहां पर ये फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, यहां पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ. दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, हैंस मतलब उसका रिजल्टेंट तो जीरो होगा, देयर रिजल्टेंट इज जीरो, बट दे विल प्रोड्यूस ए टॉर्क इन द सिस्टम. अब उस टॉर्क को फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या तरीका है? वी नो दैट टॉर्क प्रोड्यूस इन द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम. अब आप ध्यान देना, फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें, ये फोर्स बाहर की तरफ है और यहां जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है. अगर इसको हम टर्न कर लें, ये इस तरह से इसको अगर हम टर्न करें बाय 90 डिग्री, तो ये फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, ये फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ में, और आपको ये एज नजर आएगी विच इज बी. ओके, तो यहां पर मैं इसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ध्यान देना, ये है एज आपको नजर आएगी, इस पर फोर्स, ये F1 फोर्स है और इस पर ये फोर्स है F3. ओके, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू दिस. और अब आप ध्यान देना, ये जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको ये टर्न कर बताया, ये जो पार्ट है इट्स लेंथ इज इक्वल टू बी, इसके लेंथ अगर बी है और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये आएगा बी कॉस ऑफ थीटा. मीन्स वी कैन राइट टॉर्क एज एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एफ इज इक्वल टू ILB एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा. द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड breadth of the rectangular loop, it is equal to the area of the loop. Means torque is equal to IAB cos of theta. This is the required relation. अब अगर आपसे कहा जाता है कि इस rectangular loop which is placed in uniform magnetic field, इस पर resultant force कितना लग रहा है? Resultant of these two forces is zero, और इन दोनों forces का भी resultant zero है. Means the net force acting on the rectangular loop is zero. अब इन दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट है वो जीरो है, बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, बट एज दीज टू फोर्सेस
they are not acting along the same line. They produce a turning effect or torque in the system, and torque in the system is given by this relation, and which is equal to IAB cos of theta, where theta is the angle made by plane of the coil with the magnetic field. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा theta. It is the angle made by plane of the coil with magnetic field. As torque is equal to IAB cos of theta. अब आप ध्यान देना, यहां जो हम स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट इफ थीटा इज जीरो और थीटा इज 180, इसका सीधा सा मीनिंग है कि व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन सच केस टॉर्क एक्सपीरियंस्ड इज इक्वल टू आई ए B cos of 0 and cos of 0 is 1. इस केस में जो टॉर्क आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आई ए बी, एंड विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क. यानी इन केस व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क. सेकेंड, इफ थीटा इज 90 एंड वी नो दैट cos ऑफ 90 इज 0, मीन्स इन सच केस इट विल एक्सपीरियंस मिनिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क. यानी कि अगर ये जो प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन है, फर्स्ट केस में तो हमने बात की है व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड केस में मैं बात कर रहा हूं व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन सच केस इट विल एक्सपीरियंस जीरो टॉर्क. उस केस में इस पर जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वी नो दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया स्केलर है बट एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. We can express this relation in terms of vector quantity. हम इस relation को एक vector के form में represent कर सकते हैं. अब ध्यान देना, as we know that torque is equal to IAB cos of theta. हमें इस relation को याद रखना है. अगले topic में इस relation को हम use करेंगे, लेकिन just एक vector representation में हम किस तरह से mark करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए हम इस topic को आगे थोड़ा सा discuss कर रहे हैं. अब जैसे एक coil इस तरह से है, okay? अब यहां पर B और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, मींस वो जो एरिया वेक्टर होगा उसका ये डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है. यहां पर इस एंगल को हम मार्क कर सकते हैं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ओके, तो अब आप ध्यान देना, मैं अगर इस एंगल को अल्फा लिख देता हूं, मैं इस एंगल को अगर अल्फा मार्क कर देता हूं, तो हम इस cos of theta, इस theta को हम लिख सकते हैं 90. ये जो कंप्लीट एंगल है कितना है 90, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, एंड 90 माइनस अल्फा इज cos of 90 माइनस अल्फा इज sin अल्फा. इट मीन टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी sin of अल्फा. तो टॉर्क इज इक्वल टू दिस. अब आप ध्यान दें, एरिया इज ए वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, जो ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा. नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. तो टॉर्क वेक्टर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आई ए क्रॉस बी. ओके, टॉर्क ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब आप इसको फिर से समझे कि यहां पर इस पर फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ, इस पर फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ. दीज टू फोर्सेस दे ट्राई टू रोटेट द कॉइल अलोंग दिस डायरेक्शन. यानी उस केस में ये रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इन सच केस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, उस केस में टॉर्क का डायरेक्शन आएगा अलोंग द एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहां पर फिर से दो वैक्टर नजर आना है, ये मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है, ये एरिया वैक्टर है, ये एरिया वैक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है. ओके, अब इसके परपेंडिकुलर अगर हम एक स्क्रू को रखें और उसको रोटेट करें फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, इसको अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो दैट स्क्रू विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. होप दैट ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसका यूज भी है. आप अगले टॉपिक को देखने से पहले, अगले वीडियो को देखने से पहले इस टॉपिक को जरूर समझें. थैंक यू.